हेलो गाइस, वेलकम टू द टॉक जिला चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज के लिए अपडेट्स है कि क्या फुकरा इंसान ने बिग बॉस वालों को ही एक्सपोज कर दिया उनके प्लेटफॉर्म पे। साथ ही क्या गाइस एल्विश यादव, मनीषा रानी और फुकरा इंसान आपको एक क्या न्यू म्यूजिक वीडियो में देखने को मिल सकते हैं? तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहली अपडेट आपके लिए है कि फुकरा इंसान का अभी रिसेंटली ही जियो सिनेमा पर सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू आया था। वहाँ पर उन्होंने नॉट ओनली जियो सिनेमा वालों को बट बिग बॉस मेकर्स एंड साथ ही सलमान खान को भी थोड़ा सा रोस्ट कर दिया जियो के प्लेटफॉर्म पे ही। तो उनकी कन्वर्सेशन का मैं छोटा सा जिस्ट आपको बताती हूँ। तो गाइस, इंटरव्यू में सिद्धार्थ कनन फुकरा इंसान से पूछते हैं कि सलमान खान ने आपको स्लैम किया था कि और सेइंग यू ब्रॉट यूट्यूब कम्युनिटी टू द बिग बॉस, क्या वो कमेंट तुम्हें हर्ट किया था? इस पे फुकरा इंसान इनडायरेक्टली बिग बॉस जियो प्लेटफॉर्म वालों को रोस्ट करते हुए कहते हैं कि पहले तो उन्होंने मुझे स्लैम किया था ये कह के कि तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी ऑडियंस लाए हो, और फिर वही लोग एंड में फिनाले में बोलते हैं कि आपके वजह से इतनी कम्युनिटीज़ ऐड हुई है। मुझे तो हंसी आ रही थी कि वो लोग खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले मुझे विलन दिखा रहे थे और फिनाले के दिन बोल रहे कि तुम्हारी वजह से ही सबसे बड़ा ये सीज़न हिट हो गया। फिर आगे फुकरा इंसान बोलते हैं कि जब हमने करा है तो उनको एक्सेप्ट करने में कैसी शर्म भाई। साथ ही वो आगे इंटरव्यू में ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि यूट्यूब के कई सारे न्यूज़ चैनल फ्री में ही बिग बॉस को प्रमोट कर रहे थे बाय पुटिंग 60 डेज न्यूज़ अबाउट फुकरा इंसान एंड बिग बॉस। इसके आगे वो बोलते हैं कि सलमान खान सर की वो रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं बट वो भी वही बोलते हैं जो उन्हें पीछे से बोला जाता है। आगे इंटरव्यू में फुकरा इंसान बोलते हैं कि लास्ट वीक में तो मुझे इतना नेगेटिव दिखाने की कोशिश करी थी बिग बॉस वालों ने ही, जैसे कि सिर्फ सभी के फैमिली मेंबर्स 1 घंटे के लिए रुके थे और मेरे फैमिली मेंबर को ही 24 घंटे रुकने को दिया है। तो इतने टाइम में तो कोई भी बंदा पूछेगा ही ना कि बाहर क्या चल रहा है, और इस पे पूरा एक वीडियो क्लिप बनाकर मुझे नेगेटिव शो करने के लिए दिखाते भी है। ऐसा तो उन्होंने आज तक किसी भी सीज़न में नहीं किया। गाइस, अब सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं जिसका कई सारे यूट्यूब फैंस और यूट्यूब क्रिएटर्स को भी वेट होता है, जो कि है यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया, जो कि यूट्यूब इंडिया ने अपने पोस्ट के थ्रू शेयर किया है कि वो इंडिया में 27 सितंबर को 7:30 बजे से NESCO गोरेगांव में होने जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस मनीषा रानी को लेकर एंड टोनी कक्कर, जिनके बारे में एक न्यू म्यूज़िक वीडियो आने की बात चल रही है। तो उसके रिलेटेड ही कुछ दिन पहले मनीषा रानी ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसपे उन्होंने लिखा था बिग डे ऑफ माय लाइफ। इसी से रिलेटेड टोनी कक्कर ने एक पोस्ट शेयर करके बताया कि उन दोनों का एक म्यूज़िक वीडियो टोनीशा सून आउट होने वाला है। गाइज, अब बात करते हैं अभिषेक, जिया शंकर एंड एल्विश यादव की, कि वो साथ में आपको एक म्यूज़िक वीडियो में देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में वायरल बयानी ने कुछ ये पोस्ट शेयर किया, आप भी देखिए। और इसी के साथ जुड़ी ये भी अपडेट है कि गाइस जिया शंकर एंड अभिषेक मल्हान का भी एक म्यूज़िक वीडियो आने वाला है, जिसके ऊपर ये वाला ट्वीट आप पढ़िए। नेक्स्ट बिग अपडेट है गाइस गदर 2 को लेकर। गाइस, इस मूवी ने तो बॉक्स ऑफिस पे मचा रखा है। इन्होंने 17 डेज में ही 450 करोड़ कमा लिए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है गाइस। अब बात करते हैं गाइस वर्ल्ड चैम्पियन की, जो कि है नीरज चोपड़ा, जो कि फिर से इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में विथ 88.17 मीटर डिस्टेंस। नाउ ही इज़ ए ओलंपिक चैम्पियन एंड ऑल्सो ए वर्ल्ड चैम्पियन। गाइस, दिस इज़ अ वेरी बिग प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। नेक्स्ट अपडेट है गाइस आपके लिए कि सिंगर अरमान मलिक और फैशन इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ ने आज ही अपनी इंगेजमेंट की पिक्स इंस्टा पर पोस्ट करी है, और कुछ वो पिक्चर्स आप भी देखिए। गाइस, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे ये वीडियो
अपडेट्स पसंद आते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।